Good morning, student. Welcome to this lecture of class plus 2 from the unit solid state. Last lecture के अंदर हम कुछ concentration term discuss कर रहे थे. इस lecture के अंदर भी हम कुछ remaining concentration terms discuss करेंगे. सबसे पहले हम very important concentration term ले लेते हैं, normality. इसको हम define करेंगे. It is defined as number of gram equivalent of solute dissolved per liter of solution. कि एक लीटर solution के अंदर कितने gram equivalent of solute dissolved हैं. और इसको denote किया जाता है capital N के द्वारा. अगर हमने इसको formula की form में लिखना है, तब हम कह सकते हैं कि N किसके बराबर है? Number of gram equivalent of solute डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट एक टर्म आई है. ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? तो जब हम गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट. तो यहाँ पर भी एक नई टर्म आई है, इक्विवेलेंट मास. ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास अलग अलग सब्सटेंसेस के केस में अलग अलग तरह से कैलकुलेट किया जाता है. सबसे पहले हम ले रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड. एसिड का इक्विवेलेंट मास, जब हम मोलिकुलर मास ऑफ एसिड को डिवाइड करते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड से, तो हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड. तो यहाँ पर भी एक नई टर्म आई है, बेसिसिटी. ये बेसिसिटी क्या होती है? बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ डिसप्लेसेबल एच पॉजिटिव आयन ऑफ एसिड. एक एसिड से कितने एच पॉजिटिव आयन को हम डिसप्लेस कर सकते हैं, ये होती है बेसिसिटी. अब हम ले रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस. जब हम मोलिकुलर मास ऑफ बेस को डिवाइड करते हैं एसिडिटी ऑफ बेस से, तो हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस. यहाँ पर भी एक नई टर्म आई है, एसिडिटी. ये एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी होती है नंबर ऑफ डिसप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन ऑफ बेस. एक बेस के अंदर कितने OH नेगेटिव आयन डिसप्लेस किए जा सकते हैं, ये होती है एसिडिटी. नेक्स्ट हम ले रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट. तो जब हम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को डिवाइड करते हैं वैलेंसी ऑफ एलिमेंट से, तो हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट. देखो, पहले हमने मोलिकुलर मास लिया था और यहाँ पर हमने क्या लिया है? एटॉमिक मास. क्योंकि एलिमेंट का जो मास होता है उसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं. इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट, जब हम मोलिकुलर मास ऑफ साल्ट को डिवाइड करते हैं टोटल पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ मेटल एटम से, तो हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट मास ऑफ साल्ट. नेक्स्ट हम ले रहे हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन. जब हम फॉर्मूला मास ऑफ आयन को डिवाइड करते हैं चार्ज ऑन आयन, कि एक आयन के ऊपर कितना चार्ज है, तो हमारे पास आ जाता है इक्विवेलेंट मास ऑफ आयन. अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं. और हमने 0.49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डिजोल किया है 250 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सॉल्यूशन, और हमने इसकी नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है. तो जैसा कि हम सबसे पहले न्यूमेरिकल के अंदर क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं. तो हमने यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट लिखा 0.49 ग्राम, फिर हमने लिखा इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4. यहाँ पर H2SO4 दिया हुआ है जो एक एसिड है, और इसका इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे,
मोलिकुलर मास को हम बेसिस्टी से डिवाइड करेंगे। बेसिस्टी मतलब इसके अंदर कितने एच पॉजिटिव आयन डिस्प्लेसेबल हैं। तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास आ जाता है 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट। अब हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट 1000 डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। जीरो से हमने जीरो को कैंसिल किया, 25 से 100 को कैंसिल कर दिया, यहाँ से पॉइंट हटाकर 100 ले आए, और 49 से 49 को कैंसिल कर दिया। तो हमने देखा कि 4/100 आ गया, और यहाँ से हमारी नॉर्मलिटी आ गई 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट टर्म हम ले रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन, और इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिटरमाइन करने के लिए, और हम इसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर PPM बोलते हैं। इसको हम डिफाइन करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और हम कह सकते हैं कि PPM किसके बराबर है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 10^6, क्योंकि यहाँ पर मिलियन के अंदर हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट टर्म है मास फ्रैक्शन। ये टर्म कुछ उसी तरह से है जिस तरह से मोल फ्रैक्शन थी। इसको हम डिफाइन करेंगे मास ऑफ गिवन कंपोनेंट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन, और हम इसको भी एक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने मान लिया कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके दो कंपोनेंट हैं ए और बी, तो मास फ्रैक्शन ऑफ ए किसके बराबर होगा, मास ऑफ गिवन कंपोनेंट ए डिवाइड में टोटल मास, मतलब ए और बी दोनों कंपोनेंट्स का मास। इसी तरह से बी कंपोनेंट की मास फ्रैक्शन अगर कैलकुलेट करनी है तो मास ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइड में टोटल मास, ए और बी दोनों कंपोनेंट्स का मास।